एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। अभी अभी एक नया टेंशन या कह लो जियो पॉलिटिकल टेंशन उभर कर सामने आया है कि इसराइल पर आक्रमण हुआ है। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे और लेवल्स को देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ अपने पर्टिकुलर राय दूंगा, इस राय को आप लोग अपने तरीके से संभाल लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं 3-4 साल के एक्सपीरियंस से कुछ गलत बोल जाऊँ, लेकिन मैं इतना दावा जरूर करता हूँ कि 22 साल के एक्सपीरियंस वाले से अच्छा बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ जो हमेशा देखता आ रहा हूँ कि कुछ भी छोटा मोटा चीज़ होगा तो लोग उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे कि रिटेलर्स बेचारा डर जाए, और डरा कि आपको मार्केट से बाहर निकालने की प्रवृत्ति आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। अब मैं आपसे दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इसराइल पर आक्रमण हुआ, 600 लोग मर गए, अच्छी बात नहीं है। इसराइल के साथ हमारा क्या रिश्ता है? इसराइल के साथ इंडिया का करीब करीब $98 मिलियन का ट्रेड चलता है। TCS, इन्फोसिस कुछ कंपनीज़ वहाँ पर हैं, इस्टेब्लिश है। इसराइल को भारत सपोर्ट करता है, इसराइल के लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और वार ख़त्म हो जाए, ये हमारी कामना है। अब स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या सोचना है? पहली चीज़ देखिए, जब एक बार रसिया यूक्रेन के बीच में वार हुआ था तो वो वार से मार्केट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाया था। आपको लग रहा होगा कि इसराइल में जो हमास ने आक्रमण कर दिया उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर ना डिफरेंस समझाता हूँ, एक बार डिफरेंस समझ गए तो आपको आसानी होगी कि हमें क्या करना है। देखो, पहली बात तो आपको न्यूट्रल रहना है। मानते हो कमेंट में लिखना कि सौरभ भाई मैं न्यूट्रल रहता हूँ ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग कराई ही जाती है आपको। अगर मैं आपसे बोल दूँ ना, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोल दूँ अरे भाई तेरे पास टाटा का शेयर नहीं है, तू टाटा का शेयर ले ले, आने वाले 10 साल में तेरे को 100 गुना रिटर्न देगा, आपका वह फालतू बात कर रहा है। दूसरी बात, अबे भाई तेरे पास टाटा का शेयर है, बेच दे यार, उसका रिजल्ट कल बहुत ख़राब होने वाला है, आप कहोगे बे फालतू बात। लेकिन रात को आप सोचने लगोगे, अरे यार उसने कहा था अगर रिजल्ट ख़राब आया तो, आप सुबह उठते ही बेच दोगे। तो साइकोलॉजी ये है कि डरता आदमी ज़्यादा है ना, पैनिकनेस बहुत होता है। और मैक्सिमम लोग कल गलती यही करेंगे कि ये जो न्यूज है, ये जो इफेक्ट है, मे बी मार्केट गैप डाउन हो जाए, मे बी मार्केट गैप अप हो जाए, मे बी मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाए, मे बी मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक सेलिंग दिखे, मे बी मार्केट के अंदर थोड़ी वॉलिटिलिटी रहे। लेकिन दोस्तों, आपको अपने फंडामेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट्स के जो आपने स्टॉक चूज किए हैं उन पर आप नज़र बना के रखना, और अगर डीप मिले तो मैं आपसे कहूँगा आप थोड़ा बाइंग भी वहाँ पर कर लेना, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा बहुत बाइंग करने से डीप में अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। अब रसिया यूक्रेन वार क्या था? एक देश दूसरे देश को इन्वेड कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ होता है कि भैया रसिया एक पावरफुल देश, यूक्रेन पावरफुल देश, रसिया तेल का सबसे बड़ा व्यापार कर रहा है, उससे तेल के प्राइसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई, उससे स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग या जितने भी FMCG स्टॉक्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो वो एक अलग क्राइटेरिया था। अब आप कहो कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध कर दिया तो स्टॉक मार्केट गिर गया, क्यों नहीं गिरा था? न्यूज़ तो आई थी ना, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर संगठन था, है ना, संगठन ने किसी कंट्री के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ये बात इसराइल के ऊपर भी लागू होती है, ये आज की बात थोड़ी है। आप 6 साल पहले देखोगे 1000 मिसाइल एक साथ दाग दिया था, कुछ हुआ था मार्केट के अंदर? कुछ नहीं हुआ था। तो जब कोई न्यूज ऐसी है जो रिटेलर्स को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इसराइल और उसके संगठन के बीच में चल रहा है ये नई नहीं है, तो इसको लोग अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं भैया क्या 22-22 साल 25-25 साल के एनालिस्ट बने हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कल मार्केट खुलते ही सारे के सारे रिटेलर्स अपना सारा माल बेच दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पकड़ के रखना है, बेच के रखना है, मैं कह रहा हूँ कि दिमाग से सोचना है आपको कि अगर मान लो मार्केट के अंदर पैनिकनेस आता है, एक सपोर्ट के आसपास आपको बाई करना है, रेजिस्टेंस के आसपास आपको सेल करके हट जाना है। और ट्रेडिंग वालों, मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा आपको तो भैया न्यूट्रल रहना है, आप तो गिरगिट हो, आपको तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस खोजना है, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, चेक करो स्ट्रेंथ क्या है, कैंडल्स की स्ट्रेंथ चेक करो, ओआई चेक करो और ग्लोबल मार्केट चेक करो, और ग्लोबल मार्केट ओआई रेजिस्टेंस सब कुछ आपको दिखा रहा है, पुट में जाओ 150-70-80 पॉइंट लेके बाहर निकलो, आपका काम खत्म। इतना भसड़ मचाने की क्या हो सकता है कि मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट 700 पॉइंट 800 पॉइंट गिर जाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ गिर भी जाएगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे या पुट लेके 3-4 साल तक बैठ जाओगे। जो लेके बैठेगा उसके साथ हमेशा यही दिक्कत होगा। अगर आप मान लो कल के दिन पुट में कमा भी लिए, आप सोचोगे नहीं आने वाले 10 साल तक मैं पुट लेके बैठा रहूँगा, वो भी सही नहीं है। तो मेरी राय ये है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो भी वार है, अच्छा तो नहीं है, कोई भी वार किसी भी कंट्री के बीच में अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर आने वाला है।
बाकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या काम करना है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डीप को आप एनालाइज करो, डीप पर आप स्टॉक्स को एडअप कर सकते हो। लेवल्स की बात चलिए कर लेते हैं कि थोड़ा लेवल्स को किस तरीके से हम यहाँ पर नज़र में रख सकते हैं। तो लेवल्स भी मैं थोड़े थोड़े आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। लेवल्स के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि कैसे कल हम लोग प्ले आउट करेंगे। तो देखो, दो सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पर प्ले आउट करना चाहते हैं। मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना वीडियो को। तो पहले तो हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, लास्ट अगर देखोगे बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, और अगर बैंक निफ्टी 44,288 के नीचे कल ट्रेड करना स्टार्ट करता है या गैप डाउन होता है 44,288, इसके नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन में ही रहना है। और अगर मार्केट 44,440 के ऊपर है अमिड ऑफ दिस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगर 44,440 के ऊपर है तो फिर समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला, मार्केट ऊपर ही भागने वाला है। हाँ, 44,288 एक लेवल है जो पुट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी के अंदर 44,440 के ऊपर है तो कॉल के लिए डिसाइडेड है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अभी बहुत अच्छे जोन में है, और निफ्टी के लिए तो 19,550 के नीचे पुट का ही सोचना है और 19,680 के ऊपर कॉल का ही सोचना है। देख लो, दो लेवल्स हैं। अब मार्केट 5,000 पॉइंट गिरे, 10,000 पॉइंट गिरे, हमें तो देखना ये है कि भैया नीचे है या ऊपर है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा खेल क्या है, गेम ऑफ एफिशिएंसी, कि किस तरीके से मार्केट गिरता है या उठता है। मेरी ये राय थी, मैं न्यूट्रल रहने वाला हूँ मार्केट में, और मैं इस वार के इफेक्ट को ज़्यादा कंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। कल जैसे भी होगा, अगर मान लो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है तो मैं अपने आप को सॉरी बोलते हुए एक वीडियो बना दूंगा, नहीं इम्पैक्ट आता है तो मैं आपसे सॉरी बोलवा लूंगा, या उन बाय साइड वाले एनालिस्ट लोगों को भी मैं पकड़ के सॉरी बोलवा लूंगा। यही मेरी राय है। बाकी मुझे इस वार से देखो प्रेम तो नहीं है, वार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने इंडियन मार्केट पर इतना विश्वास है कि कल के दिन इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, ये मेरा कंक्लूजन है। थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रसिया यूक्रेन की तरह 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, ये मुझे पर्टिकुलर रूप से एक्सपेक्टेड नहीं है। और यस, मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहता हूँ कि कल के दिन मैं डीप में स्टॉक ऐड करूँगा और डीप में मैं कॉल बाई भी करूँगा, ये मेरा पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है कल के लिए। बाकी मिलते हैं कल के ट्रेडिंग डे में। जियो ई बैच अमर रहे, जियो ई बैच में आप पर्टिकुलर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय श्री राम।